आग्रह और ट्विटर पर फॉलो करें और अपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया तो मैं भी आपके लिए लड्डू चकरी चेवड़ा लेके आऊंगी। आंटी रोहन घर पे है क्या? हाँ बेटा सोहम, घर में आओ। मैं रोहन को बुलाती हूँ, वो नहाने गया है। बेटा तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। ठीक है आंटी। हाँ बेटा, तब तक तुम नाश्ता करो लड्डू चकरी चूड़ा। हाँ थैंक यू आंटी। उफ मम्मी, आज खाने में क्या है? हाँ बेटा खाने लेकर आती हूँ। लो बेटा लड्डू चकरी चूड़ा। मम्मी आज रात के खाने में क्या है? हाँ बेटा लड्डू चकरी चूड़ा। क्या मम्मी रात को वापस लड्डू चकरी चूड़ा? हाँ बेटा दिवाली आई है, जलसा करो जलसा। थोड़ी चकली चूड़ा लेते चले। लड्डू चकरी चेवड़ा रात को भी सोने नहीं देते। क्या हुआ सोहम बेटा, लड्डू चकरी चेवड़ा लाऊं? नहीं नहीं नहीं। आज दिवाली का मुहूर्त कितने बजे का है वो पता लगाना पड़ेगा। गीता कहती है 9 बजे का और मीता कहती है 10:30 बजे का। सबको फोन करके पूछा, अभी तक फिक्स टाइम पता ही नहीं चला। बहुत टेंशन हो रहा है, अब मैं ही पता लगाती हूँ। और ये क्या हैप्पी न्यू ईयर आ गया? कोई बात नहीं, मैं अगले साल का दिवाली का मुहूर्त अभी ही ढूंढ लेती हूँ। आज दिवाली है, सबको फोन कर लेती हूँ। अब तो फ्री कॉलिंग है। हैप्पी दिवाली चाची जी, हैप्पी दिवाली चाचा जी। हाँ कैसे हो मामा जी, मामी जी, फूफा फूफी, कैसी हो? हैप्पी दिवाली। मामी जी की पड़ोस वाले मामी जी, हैप्पी दिवाली, हैप्पी न्यू ईयर। और किसी को भूल तो नहीं गई ना? सारे फ्रेंड्स को एक बार मैसेज कर देती हूँ। अरे आपको तो मैंने फोन किया ही नहीं। हैप्पी दिवाली। हमारी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हंसते रहिए और हंसाते रहिए। और किसी को भूल तो नहीं गई? नहीं।